पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय जो सम्मंस के संबंध में है, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। मित्रों, सम्मंस का अर्थ है SUMMONS। सम्मंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो किसी भी व्यक्ति को, ये काफी कानूनी महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जब कोई कोर्ट, पुलिस अधिकारी या आयोग बुलाता है तो उसके लिए सम्मंस जारी किया जाता है। और सम्मंस गवाह का या अभियुक्त का, एक्यूज्ड का या विटनेस का या डॉक्यूमेंट्स बुलाने के लिए जारी किया जा सकता है। इस प्रकार टू कॉल यू समवन, जब किसी व्यक्ति को बुलावा पत्र या बुलावा पत्र, इसका अर्थ है बुलाने के लिए, चाहे वो दस्तावेज को बुलाने के लिए, चाहे वो अभियुक्त को बुलाने के लिए, चाहे वो गवाह को बुलाने के लिए, या किसी कोर्ट या पुलिस अधिकारी या आयोग के द्वारा उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दो प्रति में ये जारी किया जाता है। चैप्टर 6 में धारा 61 से लेकर धारा 69 दंड प्रक्रिया संहिता तक में इसके प्रावधान, विधिक प्रावधान दिए गए हैं। और ये सम्मंस, फॉर्म ऑफ सम्मंस, पीछे सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में भी दिए गए या ये दो प्रति में हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत भी जारी किए जा सकते हैं। सम्मंस का प्रारूप न्यायालय के द्वारा लिखित रूप में दो प्रति में उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसमें नियत तारीख को उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोर्ट का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, मजिस्ट्रेट होगा, दो प्रति में वो जारी करेगा। उस पर न्यायालय की सील होगी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उस व्यक्ति पर तामीली के लिए एक प्रति उसे दी जाएगी, दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जबकि वारंट जो होता है वो अधिकार पत्र एक प्रति में जारी किया जाता है। वारंट का अर्थ है अधिकार पत्र। ये पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को न्यायालय के मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी आयोग के द्वारा या अभियुक्त के लिए या विटनेस के लिए या कोई दस्तावेज बुलाने के लिए या सर्च वारंट के लिए जारी किया जाता है। इस पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर होंगे, सील लगी होगी न्यायालय की, निश्चित तारीख तक तामीली के लिए लिखा रहता है। अब धारा 70 में ये प्रावधान है कि निष्पादन तक या उस कोर्ट के द्वारा जब तक वारंट निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक वो इफेक्टिव या प्रभावी रहेगा। सम्मंस में क्या है, नियत तारीख तक वो केवल वैलिड है। जैसे 5 जनवरी की कोई तारीख नियत है तो 5 तारीख तक सम्मन वैलिड रहेगा, उसके बाद वो स्वयमेव निरस्त हो जाता है। वारंट व्यक्ति को जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या वो न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक वो प्रभाव में रहता है। और मेरा ये अनुरोध है कि जो मैंने आपको सम्मंस और वारंट के संबंध में इस वीडियो में बातें बतलाई, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बार बार वीडियो को सुने, जिससे आपकी मेमोरी में ये चीजें उतर जाए। दूसरा, अब मैं इसी वीडियो में ये भी आपको बताता हूँ कि सर्विस ऑफ सम्मंस कैसे होगी। सर्विस ऑफ सम्मंस 3 तरह से होती है। एक तो पर्सनल उसकी सर्विस होती है, जिसे वैयक्तिक तामीली बोला जाता है। दूसरी, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, जिसे प्रतिस्थापित तामील संबंध की कहा जाता है। और तीसरी, एक्सटेंडेड सर्विस, जो सम्मंस की विस्तारित तामीली कहलाती है। तो इसमें जैसे किसी भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी को सम्मंस की तामीली के लिए सम्मंस भेजा गया, वो व्यक्ति यदि घर पर नहीं मिलता है, उसका कोई मेल मेजर मेंबर है, तो धारा 64 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत मेल मेजर मेंबर पर उसकी तामीली परिवार के वयस्क सदस्य पर की जा सकती है और उसको वो सम्मंस दे दिया जाएगा। उस पर एक पावती ली जाएगी, दूसरी प्रति न्यायालय को वापस भेजी जाएगी। धारा 64 सीआरपीसी ये कहती है, सर्विस ऑफ सम्मंस मे बी सर्वड ऑन एडल्ट मेल मेंबर रिजाइडिंग विथ हिम, जो व्यक्ति परिवार का बड़ा सदस्य उसके साथ रह रहा है, यदि वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो सम्मंस की सर्विस उस पर की जा सकती है और उसको ड्यूली सर्व सम्मंस को माना जाएगा। तो मेरा ये बताने का प्रयास है कि सम्मंस यानी जो होता है वो बुलावा पत्र होता है। इसको जैसे ही किसी व्यक्ति के पास सम्मंस, चाहे वो न्यायालय का हो, आयोग का हो, किसी भी जगह उपस्थित होने का हो, प्राप्त होता है तो वो वैसे ही घबरा जाता है। सर्विस सर्वेंट नौकर पर नहीं मानी जाएगी, इसका ये अपवाद है। नौकर पर यदि कोई सम्मंस की तामील कर देता है तो वो नहीं मानी जाएगी। कुछ इस संबंध में महत्वपूर्ण केस लॉ हुए हैं। हेमेंद्रनाथ वर्सेज अर्चना, इसमें 1971 CRLJ 817 पर प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है समन्स किए गए व्यक्ति पर यदि वो घर पर नहीं मिलता है तो मेल मेजर मेंबर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको प्रावधान, ये बताना जरूरी है कि सभी आवश्यक प्रयास करने पर भी वो व्यक्ति नहीं मिला तो मेल मेजर मेंबर पर उस समन्स की सर्विस की जा सकती है। एक नव महाराष्ट्र
चाकन ऑयल मिल का मामला था जिसमें बाई पोस्ट डाक से साक्षी पर तामिली को विधि मान्य माना गया। बैक साइड पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। समन्स की अंकल पर भी यदि उसके अंकल पर तामिली की गई है तो मान्य की गई। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने मुख्य तौर पर समन्स और वारंट के संबंध में बेसिक जानकारी आपको कानूनी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में दी। समन्स का अर्थ जैसा कि मैंने बताया कॉल यू संबंध बुलावा पत्र होता है, जबकि वारंट का अर्थ है अधिकार पत्र। समन्स दो प्रति में होता है जबकि वारंट एक प्रति में होता है। समन्स की तामिली के लिए कोर्ट या पुलिस अधिकारी या आयोग जब उसे जारी करते हैं वो चाहे एक्यूज का हो, विटनेस का हो, डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए हो, दो प्रति में होगा और उसकी सर्विस जैसा कि बताया मेल मेजर मेंबर पर होगी, नौकर पर नहीं होगी। जबकि वारंट किसी अधिकारी को अधिकार पत्र के रूप में जारी किया जाता है और नियत तारीख को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए होता है। जब तक वो या तो निरस्त नहीं कर दिया जाए या उसकी सर्विस नहीं की जाए तब तक वो प्रभाव में रहता है, जबकि समन्स में नियत तारीख तक ही वो वैलिड रहता है। तो इस प्रकार मैंने इस चैनल पर मैं महत्वपूर्ण वीडियो बराबर आपको डाल रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हों या लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों, स्टूडेंट्स हों, एडवोकेट्स हों, मजिस्ट्रेट हों, सबके लिए ये उपयोगी कानूनी जानकारी है। और यदि आपसे अनुरोध है मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और किसी प्रकार की कोई आपको उसमें शंका है वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में तो आप उस चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पर मुझे काफ़ी आपका स्नेह मिल रहा है। मैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ जो आपकी विधि की जानकारी बढ़ाने के लिए इस चैनल पर नए नए वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।